दोस्तों, अगर आप लोगों के भी घर में LPG गैस कनेक्शन है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि दोस्तों LPG गैस कनेक्शन धारकों के लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसमें कि अब आप लोगों को EKYC को कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपने गैस कनेक्शन की EKYC को कंप्लीट नहीं किया है। EKYC को कंप्लीट करने से फायदा ये होगा कि अभी तक आप लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही थी, लेकिन अगर आप लोग अपनी EKYC को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को प्रत्येक गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर दोस्तों आप लोग अपने गैस कनेक्शन की EKYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको जो सब्सिडी मिल रही है वो सब्सिडी भी मिलना बंद हो जाएगी, और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को कोई भी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरह से घर बैठे ही ऑनलाइन अपने गैस कनेक्शन की EKYC को कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है MyLPG। इतना टाइप करने के बाद में आपको सर्च कर देना है। अब जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने जो भी फर्स्ट नंबर पर लिंक दिखाई देगा, आपको यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने तीनों ही कंपनियों के गैस सिलेंडर आ जाएंगे। आपके घर में अब जिस भी कंपनी का गैस सिलेंडर यूज होता हो आपको उसी वाले गैस सिलेंडर पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ नीचे की साइड में आ जाना है और एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा गिव योर फीडबैक ऑनलाइन। इसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक LPG गैस सिलेंडर का लोगो देखने को मिल जाएगा, तो यहीं पर आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहां पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सब्सिडी रिलेटेड पहल। इसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सब्सिडी नोट रिसीव्ड, तो इसी वाले ऑप्शन पर हमें एक बार क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है मोबाइल नंबर का और दूसरा ऑप्शन है LPG ID का। ये जो LPG ID है ये आपके पास में जो गैस कनेक्शन की बुक होती है उसी पर दी हुई रहती है, तो आप चाहें तो LPG ID भी डाल सकते हैं और मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देंगे, लेकिन आपको वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो भी मोबाइल नंबर आपके गैस कनेक्शन से लिंक हो। और मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों आपके अकाउंट में जितनी भी गैस सब्सिडी आ रही होगी वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल आप देख सकते हो ये जो अकाउंट है इसमें मात्र 18 रुपये की ही सब्सिडी रिसीव हो रही है। तो अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ऑनलाइन ही अपनी EKYC को कम्प्लीट करना है, जिसके बाद में आपकी जो सब्सिडी है वो बढ़ के आने लगे। इसके लिए आपको दोबारा से अपने ब्राउजर में आना है, MyLPG टाइप करके सर्च करना है। अब यहां पर आप लोगों को तीन कंपनियों के गैस सिलेंडर देखने को मिल जाएंगे। आपके घर में जिस भी कंपनी का गैस कनेक्शन यूज होता हो आपको उसी गैस कनेक्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। तो जैसे कि अगर आप लोगों के घर में इंडियन गैस कंपनी का गैस कनेक्शन है, इसके लिए आप लोगों को वेबसाइट के माध्यम से KYC नहीं करनी है, बल्कि प्ले स्टोर से आप लोगों को एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इस एप्लीकेशन का नाम है Indian OL1। इस वाले एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपसे ये कुछ परमिशंस मांगेगा जिससे कि आपको अलाउ कर देना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में 3 डॉट पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इसकी ID को क्रिएट कर लेना है। अभी आप देख सकते हो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, लॉगिन और साइनअप। तो आपको लॉगिन साइनअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर। इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है, इसके बाद email ID एंटर करेंगे, फर्स्ट नेम एंटर करेंगे, लास्ट नेम एंटर करेंगे और इस वाले बॉक्स पर टिक लगाएंगे। इसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिल करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जब आप इसका पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे इसके बाद दोस्तों आप लोगों को इसे लॉगिन करना है। जो भी आपने मोबाइल नंबर या फिर email ID दी है उस मोबाइल नंबर या email ID को यहाँ पर फिल करेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहां पर फिल करेंगे और इसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर दोबारा से 3 डॉट पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा माई प्रोफाइल। माई प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है।
और यहाँ पर आपके गैस कनेक्शन में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इंडियन गैस कनेक्शन की और भी डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि आपकी जो एलपीजी आईडी है वो देख सकते हैं, सब्सिडी के लिए आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, और ई केवाईसी का जो स्टेटस है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर ई केवाईसी को कम्प्लीट करना है, जिसके लिए आपको री ई केवाईसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर फेस स्कैन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आप लोगों को डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि आप लोगों को प्ले स्टोर से आधार फेस आरडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। इसके बाद ही आप लोग यहाँ से ई केवाईसी को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को आप लोगों को यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद में आपको इस एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं करना है, दोबारा से आपको इसी वाले पेज पर आ जाना है। अब आपको यहाँ पर फेस स्कैन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फेस कैप्चर करने की गाइडलाइंस बताई जाएंगी कि किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर अपने फेस को कैप्चर करना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा अपना फेस रखना है, इधर उधर आप लोगों को फेस नहीं रखना है। यहाँ पर आप लोगों को इस वाले बॉक्स पर टिक लगाना है, और इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे इसके बाद आप लोगों को कैमरा के आगे अपने फेस को करना है, और यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका जो फेस है वह पूरी तरह से ऑथेंटिकेट कर लिया जाएगा, और इसके बाद आप लोगों को कुछ देर तक वेट करना है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगा आपकी जो केवाईसी है वह यहाँ से कम्प्लीट हो जाएगी। और केवाईसी को कम्प्लीट करने के बाद में आपको दोबारा से इसी वाले पेज पर आ जाना है। जो केवाईसी का स्टेटस है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद में आपको यहां पर ग्रीन टिक लग के आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इंडियन गैस में ऑनलाइन ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के घर में इंडियन के अलावा भारत गैस या फिर एचपी गैस का गैस कनेक्शन है तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर जो भी 300 रुपए गैस सब्सिडी मिलने वाली है ये सभी गैस कनेक्शन धारकों को नहीं मिलेगी, सिर्फ जो भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले गैस कनेक्शन है उन्हीं गैस कनेक्शन धारकों को यहां पर 300 रुपए की गैस सब्सिडी मिलने वाली है। इसलिए दोस्तों जो भी उज्ज्वला योजना वाले गैस कनेक्शन हैं उन लोगों को यहां पर जरूर ही अपनी ई केवाईसी को कंप्लीट कर लेना है।